है दोस्तों, 12 वोल्ट डीसी पंप को सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट यूज करके घर का जो छोटा मोटा काम होता है, जैसे घर के सब्जी मंडी या फिर घर का जो छोटा काम होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे विदाउट बैटरी पे, आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों को वही देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं मेरा ये सब्जी मंडी है और इसमें जो है सोलार के जरिए से विदाउट बैटरी मेरा जो 12 वोल्ट का डीसी पंप होता है तो उसको मैंने कनेक्ट किया हूँ। किस तरह से कनेक्ट किया हूँ और एक्सपेरिमेंटल पर्पज से दोस्तों क्या प्रॉब्लम आता है वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो देख सकते हैं दूर जो है 50 वाट का मेरा एक सोलर पैनल है जो लूम सोलर से परचेस किया गया था, और एक जो है सोलर पंप है, सोलर पंप तो नहीं बोलूँगा, 12 वोल्ट का डीसी पंप है, और ये कनेक्शन कुछ इस तरह से मैंने किया हूँ। कोई भी दोस्तों बैटरी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, डायरेक्ट जो है इसको मैं यहीं से चला रहा हूँ। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कुछ खासियत है, सभी जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सोलर पंप जो है, और यहाँ पर जो 9 वोल्ट से 18 वोल्ट तक ये काम कर जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ लगा दिया। तो 9 वोल्ट से जो पंप है ये काम करता है और 18 वोल्ट तक जाता है ये जो पंप है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया। और देख सकते हैं मेरा जो सब्जी मंडी पे यहाँ पे जो है पानी को जो है बहला रहा हूँ यहाँ पे पानी देने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है पानी का फ्लो भी अच्छा है, तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में बाइंग लिंक दे दूंगा। तो ये मेरा सब्जी मंडी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने इसको जो है इस तरह से जो है अब कर सकते हैं। जो पाइप जो मैंने लेके गया हूँ डायरेक्ट, ये जो आउट फ्लोइंग वाटर का आउट फ्लोइंग का जो पाइप है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इन का वाटर इन का मैंने जो पौंड है मतलब जो पुकुर जिसको कहते हैं, तो इसको यहाँ से लगाया हूँ, और आउट जो होता है इसको मैंने सब्जी मंडी पर लेके गया हूँ। और इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, आप चाहे तो आप भी कर सकते। देख सकते हैं पानी के अंदर इसको जो है मटर के अंदर से इन करने के लिए ये वाला पाइप यहाँ पे लगाया हूँ मैंने। तो ये बहुत ही छोटा है पर इसका बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। तो जब तक सन बिजली रहेगा, बिजली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब तक सूरज का रोशनी रहेगा टोटली काम करते रह जाएगा। देख सकते हैं मोटर टोटल काम कर रहा है, यहाँ से आउट कर रहा है पानी को। तो इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लगभग जो है 1000 के अंदर जो है आपका टोटल फिटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस का प्लस माइनस का माइनस जो मोटर का है, तो इसको मैंने लगाया हूँ, कोई भी जो है बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका पीछे पैनल का पीछे का हिस्सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वाला इसका पीछे का हिस्सा है, तो लूम सोलर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो जंक्शन बॉक्स है यहाँ पे प्लस और माइनस दो मेरा सिम वायर का कलर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे जंक्शन बॉक्स पे भी लिखा होगा, तो उसको मैंने मोटर का जो प्लस माइनस है वहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे जो है मेरा पैरों में जो है कांटा चुभ गया है, तो बहुत ही दर्द होता है दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना। देख सकते हैं 50 वाट का पैनल है और मेड इन इंडिया है, और लूम सोलर की तरफ से आता है, वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो इसका 25 ईयर्स का वारंटी भी आपको मिल जाता है अगर आप लेते हैं तो। डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर चेकआउट करके इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको तो अब इस तरह से जो है का छोटा मोटा काम कर सकते, पर सबसे बेहतर होगा कि ये जो पैनल होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड 12 वोल्ट पे नहीं रहता, सूरज के रोशनी ज़्यादा कम होने से ये 24 वोल्ट तक मतलब 21-22 वोल्ट तक 20 वोल्ट के ऊपर चला जाता है कभी कभी। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा बैटरी या फिर जो चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो प्रॉपर 12 वोल्ट आउटपुट निकले। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरा सोलर के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, तो जाके नहीं देखे तो जाके देख लेना, तो नहीं तो जो मोटर जो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक चलाएँगे तो वीडियो लाइक कर